हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपनी किचन में फ्रेंच टोस्ट बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए 4 स्लाइस ब्रेड, 2/3 कप मिल्क, 2 एग्स, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 चम्मच अनारदाना और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का नमक लिया है। अगर आप काली मिर्च का मिक्स नमक नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो आप 1/2 चम्मच काली मिर्च अलग से ले लीजिए और स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिए। और मैंने 2 चम्मच देसी घी यूज़ किया है, यूज़ करूँगी मैं अपनी रेसिपी को बनाने के लिए। और मैंने कुछ कोरिएंडर लीव्स ली हैं और 7-8 कलियाँ लहसुन के लिए। अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलती हूँ। मैं कोरिएंडर लीव्स को, गार्लिक और मैंने ये 2 मिर्चें हरी वाली काट ली है, इसको भी मैं इसमें क्रश कर लूँगी। इसका एक हल्का सा क्रश किया हुआ फ्लेवर फ्रेंच टोस्ट में बहुत अच्छा लगता है। बहुत महीन नहीं करूँगी इसको मैं, बस थोड़ा सा मिक्स करते हुए क्रश कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको क्रश कर लिया है। अब मैं अपने दोनों एग बीट करती हूँ। एग बीट करने के लिए मैंने शैलो बाउल लिया है, जिसमें आसानी से ये एग बीट हो जाए। इसको मैं आपस में मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें अपना यूज मिल्क लिया था, डाल लेती हूँ। डालते हुए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें सारे मसाले मिला देती हूँ। हाफ टी स्पून जो मैंने जीरा पाउडर लिया था, सिनेमिन पाउडर, काली मिर्च का नमक, और ये जो मैंने अनार के दाने लिए थे वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये जो मैंने धनिया क्रश करी थी इसमें डाल देती हूँ। इसका बहुत सुंदर कलर और लुक आ रहा है, ग्रीन और रेड का। इसको आपस में मिक्स कर लूँगी। इतना बीट करूँगी कि ये एग आपस में मिल्क में सारे इसकी चीज़ों में मिक्स हो जाए। मैं अपना गैस पे पैन चढ़ा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके मैं पैन चढ़ा दिया है। पैन गर्म हो गया मेरा, मैंने फ्लेम अपनी धीमी कर देती हूँ और इसमें देसी घी डाल देती हूँ। अब मैं ये जो मैंने ये बनाया था बैटर, घोल बनाया था, इसमें मैं अपनी ब्रेड सोक करूंगी। इसको बहुत धीरे से इसको करना होता है क्योंकि ये इसमें डालने पे बहुत सॉफ्ट हो जाती है। इसको इस तरीके से और आहिस्ता से फोक की और हाथ की सहायता से मैं इसको पैन पे डाल दूंगी। मेरी धीमी है तो ये साइड में हो रहा है, मैं दूसरी ब्रेड सोक कर लेती हूँ। ये देखिए मेरी दूसरी ब्रेड तैयार हो गई है और ये दूसरी ब्रेड भी धीरे से इसके ऊपर रख देती हूँ। थोड़ी सी फ्लेम अपनी मीडियम कर लूँगी। तो
थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको सीखने में। जब आपको ब्रेड तवे पे सेकनी हो तभी आप ब्रेड को डिप करें, नहीं तो ये ब्रेड जो है वो सॉफ्ट होकर के टूटने लगेगी। पहले मैंने दो ब्रेड सेक लूँगी, उसके बाद मैं दूसरी ब्रेड डिप करूँगी। ब्रेड पहले डाली थी तो मेरी सिक गई है, इसको मैं बहुत धीरे से पलट देती हूँ। ये इस तरह से सिक चुकी है, गैस की फ्लेम मैंने धीमी कर दी है। ये भी ब्रेड मेरी एक तरफ से सिक चुकी है, मैं इसको भी धीरे से पलट देती हूँ। फ्लेम धीमी कर दी, मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेती हूँ। देखने में बहुत डिलीशियस और सुंदर डिश लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो आप इसको ज़रूर अपने घर में बनाएं और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थोड़ा सा और क्रिस्पी हो गया ब्रेड में, फ्लेम मेरी धीमी ही है अभी। ये देखिए मेरी दोनों ब्रेड सिक चुकी हैं। अब मैं इसको बहुत धीरे से डिश में निकाल लेती हूँ। ये बहुत आहिस्ते से निकालना होता है क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट होती है और टूटती बहुत जल्दी है। ये देखिए अब मैं अपनी दोनों ब्रेड और सेक लेती हूँ। मैंने बाकी की भी दोनों ब्रेड डाल दी हैं, मैं इनको देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और अनारदाना आपकी लाइकिंग पर है। और अनारदाना मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि ये खाने में एक अलग सा टेस्ट देता है, थोड़ा सा मीठा आता है मुँह में तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पलट देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे झटपट मसाला टोस्ट तैयार हैं। अब आप इनको जल्दी से अपने घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए। ये बहुत स्वादिष्ट डिश बनती है, इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में प्रिपेयर हो जाती है। और मुझे तो ये देख करके बहुत मुंह में पानी आ रहा है, मैं जल्दी से इसको टेस्ट करती हूँ। आप भी अपने घर में बनाइए और मुझे मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो के नीचे आने वाले बेल बटन को दबाना ना भूलें।